रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। पुराना सबने रिवीजन किया हुआ है ना? रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब, जैसे मान लो ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस पर ये एक रे ऑफ लाइट आ रही, बाहर एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, और ये ग्लास, ये ग्लास की स्लैब है। पैरेलल का मतलब क्या है कि इसकी ये दोनों सरफेस जिनसे लाइट एंटर करेगी और जिनसे बाहर निकलेगी, इधर से दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। अब मुझे बताओ जब एयर से लाइट ग्लास में जाती है तो किधर बेंड होती है? किधर बेंड सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, समझ में आया? मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इसको मैं बोलता हूँ आर वन, क्या बोला है मैंने इसको? आर वन, ठीक है। अब यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं बोलूंगा आर टू, ठीक है। अब यहां से रेस आई, फिर से ग्लास से एयर में जाएगी तो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ठीक है, सो रे का पाथ समझ में आया सबको? यहां से रे आई अंदर टुवर्ड्स, समझ में आ रहा है ना सब इस रे का? यस, ठीक है, अंदर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर बाहर अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई, समझ में आया? यस, ठीक है। अब देखो इधर, अब मुझे ये एंगल मैंने आई माना है, ये आर वन माना है, ये आर टू माना है, और ये ई माना है, समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर मुझे प्रूफ करना है कि आई इक्वल टू ई होता है, ये मुझे प्रूफ करना है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ये मुझे प्रूफ करना है, समझ में आया? तो कैसे प्रूफ करेंगे? स्नेल्स लॉ सबको आता है ना? सो मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस वन, ये सरफेस वन है और ये सरफेस टू है, समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या लिखूंगा, स्नेल्स लॉ क्या होता है, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ये होता है ना, याद है सबको, है ना? एन वन एयर का कितना होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? वन, एन वन की जगह वन लिख दूं? यस सर, समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो साइन आई इज इक्वल टू, ग्लास का मान लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन जी, तो यहां लिख दूंगा एन जी इंटू साइन, यहां पर फर्स्ट सरफेस पर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना है, आर वन, समझ में आया? यस सर। ठीक है, कैमरा तो ऑन कर लो सब लोग, कैमरा ऑन करो जल्दी से, बंद क्यों कर लेते हो क्लास के बीच में, वो भी बिना मुझसे पूछे? ठीक है, सो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब स्नेल्स लॉ अब दोबारा से अप्लाई करेंगे कहां पर, एट सरफेस टू, ठीक है, कहां पर अप्लाई करेंगे? सरफेस टू पे, सरफेस टू पर, सरफेस टू पर भी अप्लाई करेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, एन जी यहां से यहां तक, रे कहां से जा रही है, टू से, मतलब ग्लास से बाहर निकल रही एयर में, तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखेंगे इनटू ये वाला एंगल लिखेंगे साइन आर टू इज इक्वल टू, फिर बाहर एयर का लिखेंगे वन इंटू साइन ही लिखेंगे, समझ में आया क्या? Yes, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, ठीक है। सो क्या लिखूं मैं, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन जी
इनटू साइन आर टू इज इक्वल टू बाहर का कितना है वन इंटू साइन ई, ये इक्वेशन टू है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो क्योंकि ये पैरेलल सरफेस है ना, तो ये नॉर्मल भी इनके पैरेलल होंगे ना, दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। ये मान लो एन है और ये है एन डैश, एन डैश एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर है कि नहीं है? यस सर। तो इसका मतलब अगर ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है तो नॉर्मल के साथ ये आर वन एंगल बना रहा है और ये लाइन आर टू एंगल बना रही है, तो ये आर वन आर टू इक्वल होंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। फिर से देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सबको पता ही होगा ना, जैसे ये लाइन पैरेलल है, एक लाइन इनको ऐसे कट कर रही है, समझ में आया क्या? yes, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ सर। तो ये लाइन ऐसे कट कर रही है ना इसको, ठीक है? yes, sir. इन दोनों लाइन को है ना, तो ये आर वन और आर टू इक्वल, समझ में आया सबको? यस सर। तो क्योंकि आर वन इक्वल टू आर टू है, तो यहां मैं आर टू की जगह आर वन लिख सकता हूँ क्या? यस सर। तो क्या बन जाएगा? एन जी साइन आर वन इज इक्वल टू साइन ई, इक्वेशन थ्री है ना। अब इक्वेशन वन और थ्री को देखो, इक्वेशन वन में साइन एन जी साइन आर वन साइन आई के बराबर है, और वही एन जी साइन आर वन साइन ई के भी बराबर है, तो साइन आई और साइन ई इक्वल होगा ना? यस सर। बाय इक्वेशन वन एंड थ्री साइन आई इक्वल टू क्या होगा? साइन ई, तो मतलब आई इक्वल टू क्या होगा? ई। समझ में आया समझ में? अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये सिर्फ पैरेलल ग्लास स्लैब में होगा, ऐसा किस में होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, सिर्फ पैरेलल ग्लास स्लैब में ही होगा ऐसा, क्योंकि इसमें दोनों सरफेस पैरेलल है ना, सरफेस वन और टू। यस सर। इस वजह से उनके नॉर्मल भी पैरेलल हुए, इस वजह से ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए आर वन आर टू, इस वजह से आई और ई भी इक्वल हो गए। मतलब हो क्या रहा है कि जब रे एयर से ग्लास में जाती तो जितना मान लो 15 डिग्री अंदर बेंड हुई, समझ में आया? मान लो 15 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, तो फिर ग्लास से फिर जब वापस से एयर में निकलेगी तो 15 डिग्री अवे बेंड हो जाएगी ना? यस yes, सर। समझ में आया क्या? तो फिर yes, से एंगल ऑफ इमर्जेंस उतना ही हो जाएगा जितना इंसिडेंस था। यस सर। आया समझ में? यस। मान लो ये 45 था, ये 30 हो गया, तो ये भी 30 रहेगा, तो बाहर निकलते हैं फिर से ये 45 हो जाएगा। यस सर। आया समझ में? हाँ, क्योंकि एक बार जब एयर से ग्लास में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर ग्लास से जब एयर में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई, तो जितना पहले अंदर बेंड हुई थी उतना ही बाहर बेंड हो गई। यस सर। समझ में आया? इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस आ रहा है इसमें। तो एक्चुअल में ग्लास स्लैब में क्या होता है, ग्लास स्लैब में अगर आप लाइट रे के पाथ में अगर आप ग्लास स्लैब को रख दो तो लाइट रे डेविएट नहीं होती, ओनली शिफ्ट हो जाती है। देखो ये ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जाएगी। इसका ओरिजिनल पाथ कैसा था? ऐसा। ये ओरिजिनल पाथ था इसका, आपने बीच में ग्लास स्लैब रख दिया तो ये डेविएट थोड़ा ना हुई है। डेविएट हुई है क्या? डेविएट मतलब किसी डिग्री से घूमी है क्या, किसी एंगल से? नहीं। नो सर। ये दोनों लाइन पैरेलल ही तो है, बस ये शिफ्ट हो गई है। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। तो ग्लास स्लैब पैरेलल ग्लास स्लैब लाइट रे को क्या करता है, डेविएट करता है या लेटरली शिफ्ट करता है? लेटरलीशन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेटरल शिफ्ट करता है। आप टिक करोगे लेटरली शिफ्ट करता है, समझ में आया? डेविएट नहीं करता है पैरेलल ग्लास स्लैब। यस सर। इसके थ्रू डेविएशन जीरो होता है, समझ में आया? प्रिज्म डेविएट करता है, प्रिज्म हम पढ़ेंगे बाद में। प्रिज्म क्या करता है? डेविएट करता है, क्योंकि प्रिज्म की दोनों सरफेस ऐसी होती है, पैरेलल नहीं होती है। ग्लास स्लैब की तो ऐसी है ना, या ऐसी है, समझ में आया? प्रिज्म की ऐसी होती है, इधर से लाइट आई ना तो बाहर निकलेगी तो अलग एंगल पे निकलेगी, समझ में आया क्या? यस सर। क्या डिफरेंस होता है ग्लास स्लैब और प्रिज्म में? इसलिए देखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, पढ़ाया था कि कलर तो हर मीडियम में स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में, होता है कि नहीं होता? यस सर। मैंने आपको बताया था जब भी लाइट रे एक मीडियम से एयर में तो सब एक साथ जाते हैं, दूसरे मीडियम में जाते सब अलग अलग डायरेक्शन में बेंड हो जाते, तो ऐसा इसमें भी होगा, इसके अंदर भी होगा ऐसा, समझ में आया क्या?
यस सर। बट जब ये सारे कलर बाहर निकलेंगे ना तो फिर से वो पैरेलल हो जाएंगे, सबका एंगल सेम होगा ग्लास स्लैब के केस में, सबका ई आई के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो कुल मिला के इनका डायग्राम बना के दिखाऊं सारे कलर का, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तुम्हें समझ में अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो। जल्दी से बनाता हूँ, रफ डायग्राम बनाता हूँ जैसे सब ये तीन कलर दिखा देता हूँ कोई से, बाकी सब उनके बीच में होंगे। समझ में आया क्या? यस सर। जब ये बाहर निकलेंगे ना इससे तो फिर से ये एसी की लाइन में आ जाएंगे, जो ज्यादा अंदर बेंड हुआ था वो बाहर भी ज्यादा बेंड होगा, और जो अंदर कम बेंड हुआ था वो बाहर भी कम बेंड होगा। समझ में आया क्या? यस सर। अरे बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। तो ये सारे फिर से क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना बाहर निकल के। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सारे कलर पैरेलल हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, व्हाइट लाइट। क्या बन जाते हैं? व्हाइट लाइट। समझ में आया? तो उनका डिस्पर्शन नहीं होता है फिर उस केस में। बट प्रिज्म के केस में हम बाद में डायग्राम बनाएंगे, सारे कलर बाहर निकल के, प्रिज्म से सारे कलर बाहर निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, फिर जब उनको स्क्रीन पे लेते हैं तो उनका कलर दिखता है हमको सबका। यस सर। पैटर्न दिखता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। समझ में आया? यस सर। वॉयलेट अलग दिखेगा, रेड अलग दिखेगा, वॉयलेट से लेकर रेड तक सारे कलर दिखेंगे स्क्रीन पर। बट पैरेलल ग्लास स्लैब से लाइट को जब आप भेजोगे और फिर आगे स्क्रीन लगा दोगे, इधर से स्क्रीन लगा दोगे, जब सारे कलर जब इस स्क्रीन पर आएंगे तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। समझ में आया? यस सर। पैटर्न किसमें दिखेगा? प्रिज्म के केस में। प्रिज्म में, क्योंकि पैरेलल ग्लास स्लैब में रीजन क्या है, अभी हमने प्रूफ किया है, आई इक्वल टू ई होता है। अच्छा वो तुम सब भी बना लेना, ये सब क्यों हटाता हूँ, बना लेना ठीक है। तो सबका ये जो आई था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सबका फिर बाहर सबका ई, सबका आई के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा पैरेलल ग्लास लेंगे तो। सब पैरेलल जा रहे हैं मतलब, समझ में आया क्या? यस सर। है ना सर। तो यहाँ पर मैंने एक ही कलर दिखाया, मैंने आपको बताया था जनरली हम एक ही कलर शो करते हैं, सारे नहीं करते हैं। वो कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है। समझ में आया क्या? बीच वाला, सबसे बीच वाला है ना। और यहाँ पे मैंने बहुत दूर दूर दिखाया हुआ है आपको, इतना दूर दूर भी नहीं होता है वो, सिर्फ समझने के लिए मैंने दूर दूर दिखाया हुआ है। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। लिखो। ओके सर। पैरेलल ग्लास स्लैब के सर जब लाइट रे व्हाइट लाइट आती है और व्हाइट लाइट बन के ही बाहर निकलती, आई व्हाइट लाइट थी और उसी एंगल पे निकलती है, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है, इसलिए व्हाइट लाइट ही बन जाती है बाहर की, इसलिए इसका कोई स्पेक्ट्रम हमें नहीं दिखता है स्क्रीन पर अगर पैरेलल ग्लास स्लैब हो। अब इसी में मुझे एक और चीज समझानी है, अगर मैं यहां पर इस लाइट रे के पाथ में मिरर लगा दूं, मिरर ऐसे लगाऊं कि ये इस मिरर पर 90 डिग्री पर आए, कैसा है 90 डिग्री पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? जीरो होता है ना। अरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भूल गए क्या? हाँ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ सर आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है। तो मैंने तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब तुम नहीं दे पाए। मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ इस लाइट रे का इस मिरर के ऊपर? जीरो डिग्री। जीरो हुआ ना, समझ में आया? तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी कितना होगा? जीरो। जीरो। तो मतलब अपने इसी पाथ पर फिर से जाएगी,
ऐसे, ये रहे यहां से ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे आई, फिर वापस ऐसे जाएगी, तो इसी एंगल पे आई आई आएगी, जिस पर ये एंगल ऑफ इमरजेंस जितना था उतने पर वापस इधर जाएगी, और ई आई के इक्वल था ना। यस सर, समझ में आया क्या? तो उतने एंगल पे, जितने एंगल पर इस साइड से आई थी, क्योंकि आई और ई तो इक्वल है, अरे सिमेट्रिक केस है ना एकदम, आई और ई इक्वल है, तो जितने एंगल पर इधर आई थी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस इधर जाएगी, तो वापस से उतना ही पेंट होगी, इसी पाथ पे जाएगी, समझ में आया? फिर वापस से बाहर निकलेगी तो वापस से उतने एंगल पर इधर चली जाएगी, समझ में आया? यस सर। तो ये ऐसे आई फिर यहाँ से ऐसे आई, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापिस अपने पुराने पाथ पर गई, कोई नया पाथ नहीं चूज किया इसने, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, समझ में आया क्या? यस सर। लाइट विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, जिस पाथ से ये आई थी, किस केस में? अगर मिरर आप 90 डिग्री पे लगाओ, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को जीरो कर दो जानकर, तो ऐसा होगा, तो फिर से उसी पाथ पे जाएगी, पूरा ग्लास स्लैब में अंदर भी उसी पाथ पे जाएगी, बाहर भी उसी डायरेक्शन में निकलेगी, समझ में आया? Yes, तो लिख लेना इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो एक डायग्राम या तो तुम फिर से बना लो सेम, उसमें ऐसे मिरर लगा दो, ठीक है, नाउ अब लिखो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, जनरली ये भी ग्लास से ही बनता है, ठीक है, बट इसकी साइड्स पैरेलल नहीं होती, इसका एक 3D व्यू मैं पहले दिखाता हूं आपको, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये इसका बेस होता है, ये नीचे वाला, समझ में आया? यस। ये क्या है इसका? ये बेस है पूरा इसका। रे इसमें आती है, जैसे मान लो इस तरफ से आई, ये मान लो ये रे यहां बीच में कहीं आई ऐसे, तो इसके अंदर ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होती है, और फिर बाहर जाने के बाद फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, तो ऐसे निकल जाती, समझ में आया क्या? यस सर। ये ऐसे रे इसमें से ऐसे निकलती, तो देखो डेविएट हो गई ना, इसको जाना किधर था, ऐसे, समझ में आया क्या? बट प्रिज्म ने इसको डेविएट कर दिया, ठीक है, इधर आई, इसके अंदर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर बाहर निकली, तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, इधर नॉर्मल ऐसा बनेगा, तो इसके अवे ऐसे बेंड होगी, और डिटेल में अभी बात बताऊंगा मैं तुम्हें, समझ आया? इस तरह का प्रिज्म होता है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, ऊपर वाला एंगल, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो दो सर्फेसेस हैं जिनमें से आ रही है और जिनमें से निकल रही है, उनको बोलते हैं रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस, समझ में आया? यस सर। ये ए ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर रिफ्रेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, समझ में आया? ये इसका बेस होता है और ये इसकी रिफ्रेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है। अब इसका डायग्राम हम जो जनरली बनाएंगे वो 2D में बनाएंगे, तो वो ऐसा दिखेगा आपको प्रिज्म। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू दिखाऊं आपको, ये वाला फेस दिखेगा बस, समझ में आया क्या? ये व्यू, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रंट व्यू, समझ में आया? यस सर। तो
जैसे मान लो इसमें रे आई, ऐसे ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन, बहुत इजी होता है नॉर्मल ड्रॉ करना, सबको आता है नॉर्मल ड्रॉ करना। यस ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझ में आया। टर्मिनोलॉजी सारी वही रखूंगा जो ग्लास स्लैब में रखी थी, आई आर वन आर टू और ई। अभी इधर बेंड होगी रे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मान लो इसे बेंड होगी, इसको बोलेंगे आर वन एंगल, सॉरी इसको क्या बोलेंगे आर वन, समझ में आया। ये रे ऐसे गई अभी तक, अब इधर नॉर्मल में ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल है, अब बाहर निकलेगी तो बताओ किधर बेंड होगी, एयर में फिर से जाएगी तो किधर बेंड होगी बताओ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। वन सेकेंड, अब रुक जाओ थोड़ी देर। ये रे इधर से ऐसे आई, इंसिडेंट रे अंदर रिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर बाहर निकलेगी तो किधर जाएगी, देखो अंदर ये इस पाथ में जा रही थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, अब ये इधर जा रही थी तो अब किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम, बाहर जाने के बाद किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये वाला है ना, और नॉर्मल इधर है तो ये इधर बेंड होगी, समझ में आया क्या। यस सर, तो पैरेलल हुई क्या इंसिडेंट रे के, जैसे ग्लास स्लैब में हुई थी, ग्लास स्लैब में क्या हुआ था, इंसिडेंट रे इधर जा रही थी तो रिफ्लेक्टेड रे भी फिर इधर ही गई थी, फाइनल इमर्जेंट रे, समझ में आया क्या। यस सर, इसमें तो डेबिट हो गई ना अच्छे से, हाँ डेबिट क्योंकि नहीं हो सकता है आई और इक्वल आ जाए, आई और ई इक्वल आ जाए, बट फिर भी एंगल ऑफ डेविएशन जीरो थोड़ा ना होगा, पैरेलल थोड़ा ना जा रही है वो ई अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल आ सकता है, समझ में आया। इस एंगल को बोलेंगे आर टू, ठीक है। यस सर, अब देखो, अब मुझे इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है एक तो, है ना, और एक मुझे एक दो फॉर्मूले डिराइव करने हैं यहाँ पर, ठीक है। सो एंगल ऑफ डेविएशन तो क्या होगा कि ये जाके इस पाथ पे रही थी, इस पाथ पे, समझ में आया क्या। yes, और अब फाइनली इसको ये जा इधर रही थी बट प्रिज्म आ गया बीच में तो अब इधर जाने लग गई, तो इतना डेविएट हुई, इस पाथ पे जा रही थी अब इस पाथ पे जा रही, तो ये डेविएशन वाला एंगल है, समझ में आया। yes, sir. तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे इस लाइन को पीछे ट्रेस करके इस पर मिलाना पड़ेगा, समझ में आया क्या। यस सर, तो इसको पीछे ट्रेस कर देते हैं, यहां मिले, तो दिस इज अवर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, समझ में आया। यस सर, आया समझ में। अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को तो ए दे दिया, इस पॉइंट को बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ और इसको डी दे देता हूँ, ठीक है। यस सर, अब देखो इस पेज पे चलते, मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल, इसको उधर ही ले चलते, जब हैंग हो जाएगा उधर ले जाएंगे, तो इधर से देखते हैं। इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, इस ये एंगल ए है, प्लस ये वाला एंगल, ये हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, प्लस ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 होगा ट्राइंगल एबीसी में। यस सर, है ना। हां सर, ये एंगल कितना है, ए है, ये एंगल कितना होगा देखो, बी, ये आई है, ये सॉरी ये आर वन है और ये नॉर्मल है, तो ये होगा 90 माइनस आर वन, ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा। हां सर, हां, और ये होगा 90 माइनस आर टू, क्योंकि नॉर्मल, ये नॉर्मल पूरा 90 डिग्री बनाता है, उसमें से R2 गया, तो ये बचा वाला एंगल, ये 90 माइनस R2 होगा, समझ में आया ना। यस सर, तो इन तीनों का सम A प्लस 90 माइनस R1
प्लस 90 माइनस आर टू इज इक्वल टू 180 होगा, तो 90 से 180 कैंसिल, 90 प्लस 90 180 से 180 कैंसिल, तो एक फॉर्मूला तो आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ए इज इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू। प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा अंदर वाले जो दोनों एंगल है ना रे के उनके सम के इक्वल होता है, समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अब एक ये ट्राइंगल देखो छोटा वाला, पहले बड़ा वाला देखा था, अब ये छोटा वाला देखो, डी सी बी इन ट्राइंगल डी सी बी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखो ये डेल्टा जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है, देखो इधर ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है ना, है ना, इस ट्राइंगल के बाहर का एक्सटीरियर एंगल है ना ये, तो आपको पता होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है जो इस ये डेल्टा होगा ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। हाँ यस सर, बताए ना, अरे ये दोनों एंगल का सम 180, ये दोनों एंगल का सम इसमें से माइनस करेंगे 180 माइनस आएगा, और ये भी इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा ना। यस ये और ये पता है ना सबको, डेल्टा इज इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल, समझ में आया? डेरिवेशन वगैरह ये सब इतना नहीं पूछेंगे आपसे, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा भी आई होगा ना, ये देखो क्रॉस बन रहा है यहाँ पर। यस सर, तो ये पूरा आई है तो ये इतना सा एंगल कितना रह गया, आई माइनस आर वन। यस सर, और ये कितना रह गया, ये ई है तो ये पूरा ई होगा, तो ये कितना रह गया, ई माइनस आर टू। जिसको आप क्लिक में फिर से बोल दो, मैं फिर से बताता हूँ, समझ में आया क्या? यस सर, सबको आया समझ में? फिर से देखो एक बार, ये क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, तो ये और ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा इक्वल होगा, तो ये आई है तो ये पूरा आई होगा, मुझे तो इतना सा चाहिए, तो इस पूरे में से ये आर वन हटाया तो ये बचा कितना, आई माइनस आर वन। यस सर, इस ट्राइंगल में वैसे ये पूरा यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है, ये ई है तो ये भी पूरा ई होगा, मुझे इतना सा चाहिए तो इस पूरे में से मैंने आर टू हटाया तो ये कितना होगा, ई माइनस आर टू। समझ में आया क्या? यस सर, तो ये है आई माइनस आर वन और ये है ई माइनस आर टू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर वन ये वाला एंगल प्लस ई माइनस आर टू ये वाला एंगल, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आर वन प्लस आर टू ये लिख सकता हूँ। yes, समझ में आया? और आर वन प्लस आर टू ऊपर देखो ए के इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया आई प्लस ई माइनस ए। तो आपको ये डेरिवेशन आई नहीं आई, ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए क्वेश्चंस आगे सोल्व करने के लिए, समझ में आया क्या? यस yes, सर, है ना, सबको पता है ना आर वन आर टू ए और डेल्टा क्या है, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये यहाँ पर फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, फिर जब ये दूसरी सरफेस पर जाएगी तो यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर टू, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस है ई, समझ में आया? तो ये दोनों एंगल हमेशा इसके इक्वल होते हैं, आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल होता है, और जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होता है, समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर हमने जो कलर दिखाया, मैंने आपको बताया मीन कलर येलो होता है, इसका मैं डिस्पर्शन भी बाद में दिखाऊंगा आपको, सारे कलर बाहर अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे, स्क्रीन पे सारे कलर जाएंगे तो उनका स्पेक्ट्रम बनेगा, समझ में आया? यस सर, बनाओ ये।
हो गया? नो सर। डन सर। वन हो गया? यस सर। रुद्र हो गया? सर हाँ सर। ये पेज भी लिखो। डन सर। डन सर। हो गया सबका? 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 यस सर। हो गया। ठीक है। सो इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।